बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जनरल साइंस का सिलसिला हमने शुरू किया है और क्लास 7 के बुक को स्टार्ट किया हुआ है, द ट्रेयर ऑफ नॉलेज 4th एडिशन, जो कि लेटेस्ट एडिशन है, इसको स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले क्लास 4th, 5th और 6th के जनरल साइंस बुक्स कम्प्लीट कर चुका हूँ। क्लास 7 में आज पार्ट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 1 में कि प्लांट्स में 2 सिस्टम्स होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर होते हैं और शूट सिस्टम जो जमीन के ऊपर, जिसमें तना, पौधे, पत्ते, टहनियां वगैरह वगैरह शामिल है, तो दे आर कॉल्ड शूट सिस्टम। तो आज तमाम के तमाम एमसीक्यूज शूट सिस्टम के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 21 से देखे, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन शूट सिस्टम ऑफ प्लांट। तो जमीन के ऊपर स्टेम, तना भी ऊपर होता है, लीव्स भी होते हैं, फ्रूट और फ्लावर, ये तमाम ऊपर होते हैं, तो दे आर कॉल्ड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखे, 22 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट एंड एयर, गिव्स सपोर्ट। तो ये तो जरूरी बात है कि जो तना होता है वो सपोर्ट देता है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस बिटवीन द रूट्स एंड द एरियर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये काम किसका है, ये स्टेम का है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेम्स। अब तने के 2 अकसाम है, एक जो वुडी होता है, वुडन लकड़ी, और जो दूसरे वो जड़ी बूटियां जो होते हैं उसका, वो लकड़ी के नहीं होते, तो 2 टाइप्स है। तो एक को अरबी, अरबिक्यूस कहते हैं, अरबिशियस, और दूसरे को वुडी। इसमें जड़ी बूटियां वाले शामिल है और इसमें बाकी तमाम दरख्त शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम इज अर्बेशियस स्टेम। तो ये देखिए, ग्रीन स्टेम्स और फ्लेक्सिबल स्टेम, तो ए और बी इसमें दोनों करेक्ट ऑप्शन है, और ये हार्ड, ये वुड स्टेम होते हैं, ऑप्शन सी जो है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द अर्बिकस स्टेम्स। इसमें कौन, किन के अर्बिकस स्टेम्स होते हैं, ये देखिए, इनके होते हैं ग्रॉसी एंड सीरियलर ट्रीज, ये ए और बी दोनों करेक्ट है। इसमें ये वुड होते हैं, ट्रीज एंड शार्प। क्वेश्चन 27 देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम इज वुडी स्टेम, ग्रीन स्टेम, फ्लेक्सिबल, हार्ड, ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वुडी स्टेम। ये तो अभी हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वुडी स्टेम, ट्रीज एंड श्रब्स, ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इन अ स्टेम वेयर द वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड, वास्कुलर बंडल आर अरेंज बीनीथ द एपिडर्मिस, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्ट्रांग एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांग एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट, वास्कुलर बंडल्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्टेम, सेंटर ऑफ द स्टेम पित होता है, पी आई टी ऑप्शन, टी एच ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन को देखे,
विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द स्टोरेज फंक्शन. स्टोरेज फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? फिफ्थ ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजर्ट प्लांट, इसमें से कौन से प्लांट से जो डिजर्ट सहराओं में उगते हैं? दे आर कैक्टस. और कैक्टस ये शक्ल दी गई है, इसको देखें. क्वेश्चन नंबर 34 देखें. 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स विच आर ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? कैक्टस ऑप्शन सी. और क्वेश्चन नंबर 35 देखे. 35, वी आर द लार्जेस्ट बेनियान ट्री इज फाउंड इन पाकिस्तान? सरगोधा में होते हैं ये, ऑप्शन डी है. और यही क्वेश्चन है कि 36 नंबर, हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय द लार्जेस्ट बेनियान ट्री इन द सरगोधा? ये 3 एकड़ का जगह कवर किया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. अब लीव्स के पत्तों के बारे में है, इसको थोड़ा सा रीड करें खुद और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ. लीव कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स, लीव के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं. 38, ये देखें लीव का शक्ल दिया गया है, ठीक है, और इनके नाम भी, ये थोड़े से डिम है लेकिन इसको थोड़ा सा रीड करें. ये पहला वाला है लीफ्स ब्लेड, इसको कहते हैं लेमिना, और दूसरा लीफ स्टाल्स. क्वेश्चन नंबर 38 देखिए. 38, एक द ब्लेड ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ, पत्ते जो ब्लेड और ग्रीन पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड ले, उसको ब्लेड, लीफ ब्लेड, ऑप्शन सी. 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज आर फाउंड इन अ लीफ ब्लेड, ब्लेड जो ब्लेड शक्ल होता है उसमें क्या फाउंड किया जाता है? ये लीफ स्टॉक होते हैं उसमें है, और मिड रिब, ऑप्शन मिड रिब और वेन, सॉरी लीफ स्टॉक नहीं होते, मिड रिब दरमियान में जो रिब होता है, और वेन्स, ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 40 थे कि 40 नंबर क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एक्सटेंशन ऑफ लीफ स्टॉक, तो यहां पर ऑप्शन एक्सटेंशन किस वजह से होते हैं? मिड रिब, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. तो ये हो गया दोस्तों आज का पार्ट, पार्ट नंबर 2. लाइक और शेयर लाजमी करें. थैंक यू फॉर